Good morning, good morning. नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई एम गोपाल, आई एम ब्लॉगिंग टुडे कॉल्ड जस्ट लव ब्लॉगिंग। मेरे किचन में आपका स्वागत है। किचन देख के आप समझ ही गए होंगे हम कर रहे हैं कुकिंग वीडियो। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो आपने मेरा पार्ट वन देखा होगा इस वीडियो को, जहाँ पे मैंने नेटफ्लिक्स की सीरीज में से कुछ कुछ फूड आइटम्स उठाए थे और हमने वो कुक किए थे। तो आज की वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं। आई एम गोइंग टू कुक नेटफ्लिक्स इंस्पायर्ड फूड आइटम्स फॉर लेजिट 24 आवर्स। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें ना हमने रिसर्च किए, काफी सारी चीजें तो ऐसी जो मैं पहली बार ही बना रही हूँ और काफी ऐसी चीजें जो शायद मैं नहीं खाऊं नॉर्मली, बट ठीक है, तभी मजा आती है ऐसी कुकिंग वीडियोस में जब आप ऐसी कुछ अलग भलभलता करते हो। तो अब सच्ची बात बताऊं तो मैं नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बार अगर कोई सीरीज देखना चालू कर देखना फिर वो जब तक मैं इसे पूरी देखना लूं, जब तक वो सब कुछ खत्म ना हो जाने तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, फिर मैं और कोई काम वाम नहीं करती हूँ। और मैं ऑनेस्टली बोलूं, मुझे ना इंडियन वाली सीरीज देखने में इतना मजा आता है, वहां फॉरेन वालों से मैं इतना ज्यादा रिलेट नहीं कर पाती हूँ। तो हेलो मम्मी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर मैं एंट्री नहीं करूंगी तो यहाँ सामान ढूंढे नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। मम्मी आपने नेटफ्लिक्स का कभी कुछ देखा है? मुझे नेटफ्लिक्स नहीं आती। क्या नहीं आती आपको? नेटफ्लिक्स देखनी नहीं आती आपको? तो ब्रेकफास्ट के लिए हम बना रहे हैं वॉफल्स, जो एक एगो वाला टावर वाला वॉफल है। यहाँ पे मैं वीडियो चला दूंगी, खा पाएंगे? खाने का तो बाद में, बना पाएंगे वो सवाल है। तो मेरे पास ना गोल वाला वॉफल मेकर नहीं, और इसे एक वीडियो के लिए गोल वाला वॉफल मेकर लेना बनता भी नहीं था, तो हम स्क्वायर वाले वॉफल से सैंडविच टावर, सैंडविच क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, वॉफल टावर बनाएंगे। और वो बहुत ज्यादा मीठा मूठा बनता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, वैसे भी हम तीनों को मीठा नहीं पसंद। हाँ, तो मतलब और स्पेसिफिकली से ब्रेकफास्ट में मुझे ऐसे पोहा के लिए बनी हुई, डोसा के लिए बनी हूँ मैं। तो पहला ब्रेकफास्ट है वॉफल टावर फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स, दूसरा ब्रेकफास्ट है प्रेट्ज़ल फ्रॉम द ऑफिस, और ऑब्वियसली बात है हमें लगेगी कॉफी। कॉफी तो बहुत सारी सीरीज में दिखाई गई है, जैसे अभी यहाँ पे आप द ग्लैमर गर्ल्स, आई एम होप मैं सही नाम ले रही हूँ, उनमें भी ऐसे कॉफी दिखाई गई थी। तो हम कॉफी बनाने वाले हैं, और मैंने मेरी सदियों पुरानी कॉफी मशीन जो मुझे कभी बर्थडे गिफ्ट में मिली थी, मैंने कॉफी मशीन निकाली है। आज हम कॉफी मशीन में कॉफी बनाने वाले हैं, क्योंकि गोपाली ना एक ही चीज बार बार करके बोर हो जाती है, तो नॉर्मल वाली कॉफी बना के मैं बोर हो गई, तो हमने कुछ तो अलग एकदम ऐसे तड़का डालते हैं और कॉफी मशीन में आज हम कॉफी बनाएंगे। मुझे बहुत गंदी वाली भूख लगी हुई है। चलिए जी ब्रेकफास्ट बनाते हैं आज। तो सबसे पहले हम प्रेट्ज़ल का जो आटा है वो लगा के रख देते हैं, क्योंकि उसको फूलने में भी टाइम लगेगा। मैं ऐसे छोटे बच्चे जैसे राइम्स बताते हैं ना, मैं वैसे बात कर रही हूँ। कोई मेरा ये नाइट सूट जज नहीं करेगा, दिस इज माय बेस्ट कंफर्टेबल नाइट सूट एरा। जब तक हमारा प्रेट्ज़ल का काम होता है हम वॉफल्स बनाने भी लग जाते हैं, क्योंकि वॉफल्स ही हमें पहले खाने मिलेंगे और भूख लगेगी। वॉफल बनाने के लिए आपको चाहिए ये प्रीमिक्स, जब तक हमारे पैनकेक बन रहे हैं हम थोड़े से बनाना खा रहे थे, धुआं तो निकल रहा है मेरी पैनकेक मशीन में से। ओ, मेरा पैनकेक बहुत सुंदर बन रहा है। ये गाइज हमारी कॉफी मशीन का एक ऊर्जा पुर्जा हमको नहीं मिल रहा है, तो वो ऊर्जा पुर्जा ही ढूंढा जा रहा है। सालों बाद कॉफी मशीन यूज हो रही है। और ये जो आप जो डिपार्टमेंट देख रहे हो ना, ये नॉर्मली वीडियो के सामान का डिपार्टमेंट है। गाइज ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों की मम्मी के अलावा मुझे चीज ढूंढने मिली है। ओहो, आज तो मेरी जिंदगी जीने का मकसद एकदम पूरा सा हो रहा है। तो हमारी कॉफी के जो ऊर्जे पुर्जे हैं कॉफी मशीन के वो मिल चुके हैं। वॉफल्स एक्चुअली बनने में टाइम ही लगता है, तो वॉफल्स हमारे आराम से बन रहे हैं, और हमारा जो वो आटा है वो अलग आराम कर रहा है। और आज तो मम्मी आप चिमटी उमटी लगा के आई हो, ये मेरी मम्मी वीडियो के चक्कर में ऐसी आई है किचन में, वरना मेरी मम्मी मैं बता रही हूँ इतनी वियर्ड सी नाइटी पहन के और एक क्लचर लगा के होती है किचन में। आपको कभी दिखता है ऐसा? रात में ही दिखता है, सुबह तो मैं हमेशा गुड गर्ल दिखती हूँ। गुड गर्ल तो हुआ गाइज, आप ना ये जो मटका और ये जो एयर फ्रायर वगैरह देख रहे हो, इसके पीछे हमारी दीवार टूटी हुई है क्योंकि घर में लीकेज हो गया था। गाइज ये देखो, सोशल मीडिया के पीछे का राज। गाइज देखो अभी तक आपको चीजें कैसी दिख रही थी,
सोशल मीडिया पे आप जो देखते ना उसका विश्वास मत क्या करो, वो चीज ना ऐसी ढाकी बूंदी होती है, पीछे सब टूटा फूटा पड़ा होता है। गाइस हमारे वॉफल्स बन चुके हैं, ये एकदम मस्त ब्राउन लग रहे हैं, अभी तो काफी सॉगी, एक बार हम बाहर निकालेंगे तो शायद ही क्रिस्पी हो जाएंगे। लग बिल्कुल वैसे जैसे मार्केट में आते हैं ना वैसे वॉफल्स ही रहे हैं। गाइस गुड मॉर्निंग, द ब्यूटी ऑफ द वीडियो इज फाइनली हियर। ब्यूटी ना आते ही अपना गलत हाथ लगा दिया है, अभी तक वॉफल्स सही बन रहे थे, अभी आप देखना वॉफल्स कैसे हैं। इतना ज्यादा स्वाद होगा कि आप शायद खा के बेहोश हो जाए। जहर बना रही बहन तू है? क्या है क्या ये, मैं खा लूँ क्या? नहीं 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 पागल, हमको इसका टावर बनाने जानी, मार दूंगी अगर खाया तो। टावर 3 से बनेगा? हाँ बहुत गरीब हो आप। इसमें वो लगेगी मेपल सिरप नहीं है, अरे महंगी चीजें लगेंगी तेरे को क्या पता। व्हिप्ड क्रीम नहीं है, ये क्रेमिनो स्प्रे है, क्रेमिनो स्प्रे। गाइस हमने ये पिसी हुई वाली कॉफी ले आए हैं, हम बिल्कुल ही एकदम प्रोफेशनल्स की तरह आज कॉफी बनाएंगे। गाइस ब्रू विद गोपाली में आपका स्वागत है, आज हम ब्रू करने वाले हैं हमारी कॉफी। लग तो बहुत फैंसी। हाँ लग एकदम ऐसा रहा है वो अमीर लोगों के घर में होता है ना, एकदम ऐसे कॉफी मशीन बैठी होती है कोने में। गाइस तो वो ग्लैमर गर्ल्स में ना उन लोगों ने ऐसे वाले जो सिपर होते ना उसमें लिया था, वो डिस्पोजेबल वाले थे, हमारे पास ये कांच वाला है तो हम ये यूज करने वाले हैं। ये ना गाइस हमारी कॉफी का दूध तो तैयार है, मैं एक बार इस कप में बना रही हूँ, फिर देखते हैं कैसी पहुंचती है। भाई टेस्टी बनी है ये तो, और पता है इस कॉफी का टेस्ट जो हम वो बाकी कॉफी पीते ना उससे अलग भी है, थोड़ी बाहर जैसी कॉफी बनी है ये। आ हा 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 हा, हमारे वॉफल्स जब तक हम कॉफी बना रहे थे ये वाला हल्का सा जल गया है एक कोने से, ठीक है जला नहीं गाइस, एक ना हम थोड़ा क्रिस्पी रख रहे हैं तो वी आर जस्ट मेकिंग इट लाइक थोड़ा सॉफ्ट, फिर थोड़ा सा क्रिस्पी, फिर एकदम क्रिस्पी, तो हमारा वो प्लान है। बट हमारे वॉफल्स एकदम बाजार वाले वॉफल जैसे ही लग रहे हैं, आई एम इम्प्रेस। क्योंकि तो पहली बार मुझे कॉमेंट करके बताओ अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है, नहीं बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत ज्यादा फेमस वायरल सीरीज है ये, बट मैंने नहीं देखा है और मुझे इसका रेफरेंस भी नहीं पता जो मैं बना रही हूँ। वो लोग ना वहाँ पे एगो के वॉफल्स यूज करते हैं, आई एम अज्यूमिंग एगो वहाँ पे एक ब्रांड है जिनके वॉफल्स बने बनाए आते हैं, तो वो लोग वो यूज करते हैं, तो वो गोल गोल होता है, बट ठीक है। सो हमें करना ये है कि हमें ना यूं टावर बनाने हैं, बट हमें सबसे पहले ये व्हिप्ड क्रीम जैसी जो है हमें इसे यूज करना है, क्योंकि हम एक्साइटेड एंड नर्वस। हमें टावर के सपोर्ट के लिए ये वाली चॉकलेट यूज करनी पड़ेगी, भाई ये बहुत ही महंगी चॉकलेट है, और ये क्या वो अनार आता है ना फटाका उसके जैसी लग रही है। तो हमें सबसे पहले ना यहाँ पे एक वो बनाना है राउंड, ओके इसके ऊपर हमें एक वॉफल रखना है। हाँ इसको जितना ज्यादा शेक करो ना उतना ज्यादा अच्छा बनता है, नाइस। फिर हम इसके ऊपर ये रखने हैं हर्शीज वाले चॉकलेट, फिर हमें उसके ऊपर ये दूसरा वाला वॉफल रखना है, फिर हमें इस पे वापस ये, पता मुझे ना बहुत ज्यादा व्हिप्ड क्रीम पसंद नहीं आ रही क्योंकि ये पिघल रही है, और फिर हमें इसके ऊपर डालने ये स्प्रिंकलर्स। गाइज आवर ब्रेकफास्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स इज रेडी, और ये इतना ज्यादा एपेटाइजिंग लग भी नहीं रहा है, बट स्टिल लेट मी गिव इट अ ट्राई। भाई इसको कैसे काटने का, छुरी और काटे से खाना ना वैसा वाला फील हो गया थोड़ा। गाइज ये ना अगर मुझे बचपन में दिया होता ना ये, मैं इतने शौक से खा रही होती, इतने खुशी से खा रही होती, ये मेरा फेवरेट वो बन सकता था। ऐसा लग रहा है ये वहां के बच्चों का फैंसी चीनी का पराठा है। क्या मैं इसे रोज ब्रेकफास्ट में खाऊंगी? नहीं। अब इसको डेजर्ट के लिए बनाओगे ना बहुत टेस्टी लगेगा। गाइज मैं ना मेरी ग्लैमर गर्ल्स वाली कॉफी भी सिपर में ले आई हूँ, कॉफी बहुत अच्छी बनी है और ये भी अच्छे बने हैं, बस मीठे हैं तो अभी मेरा मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है। नाइस तेरे वर्ड्स और तेरे एक्शंस मैच क्यों नहीं कर रहे जानवी। I'm not a whipped cream person. मुझे लग रहा है जानवी is not a vocal person. She is not a whipped cream person. Personally whipped cream तो मुझे भी नहीं पसंद है। तो ये देख मैं तेरे को दिखाती हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स में कब खाते हैं। But yours look very similar. Similar बनाया ना मैंने। एकदम। Taste करो। 10/10 for making similar.
अच्छा बना है? मीठा भी ज्यादा नहीं है। अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट में मीठा पसंद है यू शुड ट्राई दिस, दिस इज लाइक वॉफल टार। और अगर आप कजिन्स वजिन सारे इकट्ठे हो तो लाइक अच्छे से बना के खा सकते हो। हेलो जी, मैं एकदम मस्त गुड गर्ल बन के आ चुकी हूँ एकदम हीरोइन फील्स के साथ। हमारा जो सेकंड ब्रेकफास्ट है वो बनाने के लिए मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है और मुझे एक्चुअली भूख लगी है। ऐसा लग रहा है मैं जब से उठी हूँ भूख भूखी करी हूँ, पर क्योंकि मुझे ढंग का ब्रेकफास्ट मिल नहीं पाया तो मैंने अपने लिए स्नैक्स की जुगाड़ ऑब्वियसली की थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे ऐसे चटरम पटरम जरूरी पड़ता रहता है। तो हमने ना यहाँ पे ऐसे पूरा नेटफ्लिक्स फूड का रिसर्च किया था, हमने लिखा हुआ यहाँ पे। हमारे पास स्नैक्स में है ये चीटोस पफ्स। भाई साहब ये बहुत महंगे आए हैं, ये इतना सा पैकेट 700 रुपए का है। मुझे अभी ऐसा लगता था लेज वाले सिर्फ हवा दे रहे हैं। ये चीटोस पफ 700 रुपीज का है, क्रेजी एक्सपेंसिव। ये भी हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा था, अपैरेंटली ये वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें स्ट्रेंजर थिंग्स वाली खा रहे हैं। बट पता है बचपन में क्रैक्स आते थे ना, ये वैसे मटेरियल के बस वो गोल गोल आते थे ऐसे थे, बट भाई क्रैक्स क्या लगते थे। ये तो अच्छा है, आई फील सो गुड। सुबह से मेरी बॉडी में अभी नमक गया है। हम इस पे थोड़ा चटपटर करते करते अपना लंच की भी तैयारी कर लेते हैं। तो लंच में हम बनाने वाले हैं नेवर हैव आई एवर सीरीज की डोसा। मैंने सोचा तो था कि मैं कोरियन वाला अभी बनाऊंगी, पर अभी मुझे इतनी भूख लगी कि वो कोरियन वाला पूरी एक बड़ी सी मील है तो वो हम डिनर में बनाएंगे। अभी हम बनाएंगे डोसा सांभर चटनी। ऑल्सो गाइस मुझे ना आपको मेरे किचन में मैंने ये नई चीज ऐड की है, मैं दिवाली को अपने लिए अपने किचन के लिए ये एक चीज लेके आई थी। तो हमारे घर में ना चक्कू बहुत अच्छे नहीं थे और मैं चक्कू लेने गई थी। मेरे साथ होता है ये, मैं लेने जाती हूँ चक्कू और फिर मैं ये बिल्कुल चक्कू का पूरा खानदान उठा लाई हूँ। इसमें नारियल तोड़ने वाला भी है, बड़े से बड़ा चक्कू भी है। मैं ये लेके तो आ गई हूँ, नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज दिस। गाइस हम बनाने जा रहे हैं सांभर फ्रॉम स्क्रैच। वेलकम टू कुक विद गोपाली। आई हैव नेवर एवर मेड सांभर सो आई एम एक्साइटेड। मुझे पर्सनली सांभर पसंद बहुत ज्यादा है पर मैंने कभी बनाया नहीं है। चंदन ना आप मम्मी ने दे दिया। गाइस मम्मी इज ऑल्सो मंचिंग ऑन। कैसे लगे मम्मी आपको ये? मम्मी ये बताए कौन सी सीरीज में खाते हैं? स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स। और जो मैं डोसा बनाने जा रही हूँ वो पता है किसमें खाते हैं? नेवर हैव आई एवर। नेवर हाई एवर देवर। नेवर हैव हैव आई आई एवर एवर। हाँ ऐसे पढ़ा रहे जैसे मतलब साथ में बोलो नेवर हैव आई एवर। नेवर हाई एवर देवर। देवर कहाँ जा रहा है? नेवर हैव आई एवर। Never high ever देवर। दाल आई एम अज्यूमिंग दाल हुई तो सही है भाई, ये दाल लग तो बिल्कुल सही रही है। हम पहले तो ये दाल ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके अब हमें क्या करना है, हमें इसमें और पानी डालना है। अब मैं इसमें डालने लग रही हूँ सारी सब्जियाँ। ये क्या प्याज। चलिए टमाटर जी आपकी जाने की भी बारी आ गई, धीरे धीरे आराम से हले हले जाओ हले हले। फिर अब इसमें डालेंगे आलू। चलो आलू जी। अब हम डाल रहे हैं बैगन। फिर इसमें डालेंगे हम लौकी। चलो 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 सांभर सांभर। यस ये हम इसमें डालेंगे ग्रीन मिर्ची। आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑथेंटिक साउथ इंडियन सांभर मसाला। मेरा जो फ्रेंड है विवेक वो अपनी बिजनेस के लिए काफी ज्यादा साउथ इंडिया जाता रहता है तो वहां से मेरे लिए लेके आया है ये सांभर मसाला। की स्मेल ना वो बाकी सांभर मसाला से काफी अलग है तो अब हम इसमें सांभर मसाला भी डाल लेते हैं, अंदाजे से डाल लेते हैं गाइस। हमें हल्की सी मिठास चाहिए तो वैसे तो गुड़ पड़ता है पर मुझे गुड़ मिल नहीं रहा है। गाइस सांभर में से खुशबू तो अच्छी आ रही है पर मुझे लग रहा है मैंने एक्चुअली पूरे गांव के लिए सांभर बना दिया जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है। ओके गाइस हमने कुकर का ढक्कन बंद तो कर दिया, अब हमें इसमें एक सीटी आने का ही वेट करना है। तब तक हमें तड़के की तैयारी करनी है। मैं तड़के के लिए तो तैयारी नहीं थी, हम बेसिक तड़का लगाएंगे थोड़ा मजेदार सा। चलो कुकर जी सीटी मारो। मुझे डर लग रहा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। हाय भगवान मैंने इतने शौक से शीन काटी, इतने शौक से, और ये तो मैं डालना ही भूल गई। गाइज हमारा सांभर कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहां जो बाकी की शींग थी वो बॉयल हो रही है। यहाँ पे हमारे तड़के की तैयारी हो रही है। यहाँ पे मम्मी जी थोड़ा सा किसी चीज का स्ट्रेस ले रही हैं। स्ट्रेस नहीं ले रही हूँ मैं, आई हूँ भूख लगी है हेल्प करने के लिए।
था इस नाजिश के, इस शेफ के हाथ मतलब इतने ज्यादा कलाकारी से उभरे हुए हैं। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया मम्मी, आप ये सांभर खाओगी ना, आप ये बोलोगी वाह गोपाली वाह। थोड़ा नमक कम है गाइस, पता है कलाकार की कलाकारी सबको नहीं समझ में आती है। और बाकी कैसा बना, तारीफ तो करो। बहुत बढ़िया रियल में सांभर बहुत बढ़िया बना, एकदम चटकारेदार। वाह वाह। चलो अभी भूरी बेटी को हम पूरा ऐसे साउथ इंडियन खाना बना के देखते हैं, वो बहुत भूखी है कब से आवाजें लगा रही। चलो डोसा बना लेते हैं, हम बनाने जा रहे हैं मसाला डोसा। आइए दोस्तों, हमारा पूरा लंच तैयार है और ये हमारे से एकदम शेफ मेहमान की तरह आने वाले लोग भी आ चुके हैं। प्लेटिंग लुक्स वेरी नाइस। प्लीज हमें सांभर चख के बताइए। सांभर हमने पूरा स्क्रैच से बनाया है एंड जस्ट इन 30 मिनट्स। सांभर का रसा लीजिए। अच्छा बनाया, इट्स गुड। रखा रखा हल्का खट्टा ज्यादा हो गया। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 9, बिकॉज 1 ऑलवेज स्कोप फॉर बेटर। भगवान जी थैंक यू, आपने इसको टीचर टूचर नहीं बनाया। हाँ जी गाइस, तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और शाम को हम बनाने वाले हैं 2 सीरीज से चीजें। एक जो हमारी सुबह से हमने बनने के लिए रखी थी द ऑफिस के प्रेट्ज़ेल, और हम बनाने वाले योगर्ट बोल जो हम गॉसिप गर्ल से बनाने वाले हैं। हमने ऐसे सीधी सी एक ये मैं आपको शेप दिखा देती, प्रेट्ज़ेल कुछ ऐसा दिखता है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी ये इसी से पता चला है। इसमें ना बहुत ज्यादा एयर है, आई कैन ऑलरेडी फील दैट। कैसे सब लोगों के अलग अलग देश में अलग अलग ये चीजें बनती है ना। ठीक है, हमने ये कर लिया, इसके बाद हमें इसको यूं करना है। ये इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है मुझे, आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एक और यूं किया। एक मिनट, ये ऐसा लग रहा है दो किसी लोगों ने अपनी पाँव ऊपर कर लिया भाई। नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है। ऑफिस वालों में तो बहुत ही बड़ा प्रेट्ज़ेल था, आई डोंट थिंक सो उतना बड़ा तो मैं बना पाऊंगी। ये प्रेट्ज़ेल बनके तैयार हुआ है। ये मुझे ये अकेला अजीब सा लग रहा है, ये आपको भी अजीब सा लग रहा है। मुझे ये बड़ा वाला सही लग रहा था, ये छोटा बहुत ही ज्यादा वियर्ड नहीं लग रहा है। पहले हमें इसको गर्म पानी में डाल के इसको आधा उबालना है, फिर हमें इसे ओवन में बेक भी करना है। भाई अलग बेचारे पे जालिम किया जा रहा है, एक तो अजीब सा शेप दे दिया बेचारे को। ये देखिए बड़ा फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है, बड़ा और पतला सही लग रहा है, ये तो थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है मुझे। गाइस हम अज्यूमिंग कि पानी गर्म हो चुका है और मैंने अपना पहला प्रेट्ज़ेल डाल दिया है, तो 30 सेकेंड ही सिर्फ पानी के अंदर रखना है। इसका शेप नहीं खराब होना चाहिए भाई, जो सबसे बड़े बनते होंगे तो कैसे ही बनते होंगे। मुझे लगा था चिपक जाएंगे या घुल घुल जाएंगे, वैसा तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने सब सही बनाया लगता है। ओके, अब हम इसे बेक होने रखना है। नाउ आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। और इसमें हमने मैदा यूज नहीं किया, इसमें हमने आटा यूज किया। ठीक है, जब तक ये यहाँ पे प्रेट्ज़ेल्स हमारे बन रहे हैं तब तक हम दही निकाल लेते हैं और योगर्ट बोल बना लेते हैं। मुझे पता नहीं चीनी भी पड़ी है नहीं पड़ी है, क्या सीन है। खुल जा भाई खुल जा। मैं ना जब भी ट्रैवल करती हूँ ना ऐसे सारे मुझे कुछ चीजें मिल जाती है तो मैं ले आती हूँ। ये हम हार्ट शेप का लकड़ी का बाली से लेके आए थे, बस उसी की स्पून भी है तो इसमें तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। ये हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा ही बनाना चाहिए, मुझे बहुत भूख नहीं लगी है। हम इसमें डाल देते हैं ग्रैनोला, हम डालेंगे थोड़े से फ्रूट। बड़ा ही रंगीन और सुंदर लग रहा है, एक मिनट हम इसको चेक करते हैं। ओ भाई साहब ये बेक हो रहा है, दिख रहा है आपको? गाइस हमारा ये योगर्ट तो तैयार हो चुका है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आइए इसको टेस्ट करते हैं, दिख तो बहुत सुंदर रहा है और वो दही प्लेन है। मैंने फ्रूट्स के साथ कभी दही नहीं खाया, अच्छा ही लग रहा है। ऐसा मिक्स फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है एप्पल के साथ फिर भी ठीक लगेगा। जो मुझे ये योगर्ट बोल कह लो दही जो ये सजाया गया इतना, ये मुझे ठीक ही लग रहा है। मुझे लगता है शायद हेल्दी होगा इसीलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मुझे पसंद आ गया होता ना तो ये अनहेल्दी होता। मुझे जो जो चीज़ें टेस्टी लगती है ना वो सारी मुझे नुकसान करने वाली होती हैं। पता है मेरा बहुत मन है कि मैं घर पे क्रोसॉ बनाऊँ, क्योंकि मुझे क्रोसॉ पसंद है बट एग वाले कम मिलते हैं,
तो मेरा मन तो है बनाने का, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने कभी बनाया है तो इज इट इजी, इज इट डिफिकल्ट, आई हैव नो क्लू बट आई वांट टू मेक इट. सो कभी ट्राई करेंगे किसी पॉइंटलेस ब्लॉग में, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको देखना हो तो. हमारे प्रेट्ज़ल बनके तैयार हो चुका है, इसके ऊपर हम हल्का सा बटर लगा रहे हैं. ओके, दिस लुक्स क्वाइट डिफरेंट एंड आई डोंट नो हाउ डज इट लुक, आई वेरी मिक्स्ड फीलिंग जैसे ही दिख रहा है उस हिसाब से. लेट्स ट्राई इट. मुझे ना इससे, हम जब यूरोप गए थे तो क्रिसमस मार्केट और पेरिस में क्रिसमस मार्केट की याद आ गई है. ये मुझे अंदर से हल्का सा अभी भी अच्छा लग रहा है, हम इसे थोड़ी देर और बेक होने देना था. अगर किसी को ब्रेड वगैरह पसंद है ना, दे विल लव दिस. इसको आप अपने अपने हिसाब से कोई भी फ्लेवर का बना सकते हो. मेरे लिए आई विल गिव दिस 5 out of 10, बट इफ समबडी हु लव्स ब्रेड अगर वो बनाएंगे तो उनको शायद अच्छा लगेगा. यस, दिस इज व्हाट माय इवनिंग स्नैक लुक लाइक. आई विल सी यू गाइस इन डिनर. हेलो जी. हेलो, आई एम बैक होम और मुझे ऐसा लग रहा है मेरी गले की जो आवाज है ये कर्कशिती होती जा रही है और ये जाने वाली है. तो ये जो फोटो है जहाँ पे इन्होंने से पूरा एक मील बनाया हुआ है, कुछ 5-6 छोटी छोटी कटोरियों में रखा हुआ है, चावल रखे हुए हैं. दिस इज फ्रॉम के ड्रामा कॉल्ड टू ऑल द बॉयज आई लव, पीएस आई स्टिल लव यू. तो इन्होंने काफी सारी सब्जियां यूज की है, मशरूम यूज किया है, हमारे पास कोरियन चिली है तो हम उसके साथ मिलके, अब इन सब चीजों की हमें रेसिपी तो मिलेगी नहीं और ना ही एक एक चीज के हमें नाम पता है. हाँ जी, तो दिस इज लोटस स्टेम. ये एक्चुअली वो जो कमल का फूल खिलता है वो, इसको हिंदी में कमल काकड़ी भी बोलते हैं. तो कोने में रखा हुआ है, दैट इज लोटस स्टेम. फिर उसके नीचे जो है वो मुझे ऑलिव जैसा लग रहा है, तो हम ऑलिव पिकल्ड ऑलिव जैसा देने वाले हैं. मुझे पर्सनली ऑलिव बिल्कुल नहीं पसंद. उसके बाजू में मुझे ऐसा लग रहा है मकई थोड़ी सी लंबी हो गई है, अंकुरित मकई टाइप लग रहा है. तो हम यहाँ पे भी कुछ तो मशरूम जैसा जुगाड़ बिठा लेंगे. फिर यहाँ पे कैबेज का सैलड है, यहाँ पे कुछ बीन्स जैसा है तो हम भी ऐसा कुछ कर लेंगे. बाजू में वो व्हाइट बड़े से राइस है, बीच में इन्होंने बैगन रखा हुआ है जिसको ये लोग ऑब्रेजिन भी बुलाते हैं. अभी हम कहीं तो बाहर खाने गए थे और वो ऑब्रेजिन देख के ऐसा टेम्पटिंग लग रहा था, पर फिर पता चले तो बैंगन जी है. यहाँ पे इन्होंने कुछ तो नॉनवेज रखा हुआ है, बट हम कैसे हम इसको सूरन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. मैंने आज तक कभी सूरन पकाया नहीं है या कभी पकाया हुआ, आई डोंट इवन रिमेम्बर. आज की वीडियो में हम नया क्यूजीन भी बना रहे हैं और नए इंग्रेडिएंट्स के साथ भी खेलने वाले हैं. मैं बहुत थक गई आज खाना बना रही हूँ, फुल एकदम बावर्ची फील आ रहा है. और हम कहाँ से शुरू किया था, हमने सुबह वॉफल से शुरू किया, फिर हमने इंडियन भी बना लिया, फिर हमने अभी ये कोरियन भी बना रहे हैं. हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं आज की वीडियो में. बट यार मुझे बहुत मजा है. आप में से अभी से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, पहले तो वो कर देना. मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं फटफट झटपट झटपट सब कुछ दिखा देती हूँ. तो मैंने ना बहुत सारी ऐसी वीडियोज देखी है जहाँ पे वो लोग बहुत सारी चीजों को मैरिनेट करते हैं, एंड पर्सनली मैं ऐसी चीजें नहीं बनाती जिसमें मैरिनेशन वगैरह करे. तो अभी क्योंकि मुझे दही भी दिख रहा है, हमारे पास मसाले भी है, सो हम प्लानिंग की हम सूरन को मैरिनेट होने रखते हैं. अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देते हैं ताकि ढंग से मैरिनेट हो जाए. देखो हमने बना तो दिया है, जस्ट अज्यूमिंग ये हो भी जाए ढंग से मैरिनेट. आई एम बिट स्कैर्ड क्योंकि सूरन मुझे हाथ में काफी ज्यादा इचिंग दे रहा है और मैंने इसको एटलीस्ट 10 बार धुला होगा. नेक्स्ट थिंग जो मैं काटने जा रही हूँ वो है मैं बैगन काटने जा रही हूँ. ये वाला जो बैगन है इसका भाजा हमें बचपन से खाया है तो आई नो ये तो मैं फट से बहुत इजीली बना लूंगी. हम यहाँ चावल बनाने रख रहे हैं ताकि ये काम तो हो जाए. कैमरे की बैटरी उड़ चुकी है, बहुत सारा काम करना है. मैं फटाफट टाइम लैप्स पे लगा रही हूँ क्योंकि इतना सब मैं डिटेल में नहीं दिखा पाऊंगी. तो आ जाओ. हेलो जी. तो हमारा जो सूरन को मैरिनेट करके कुक करने का प्लान था वो था फ्लॉप क्योंकि हमने सूरन को अनकुक्ड ही मैरिनेट कर दिया था और सूरन को तो कुक होने में भी टाइम लगेगा तो वो हमें बॉईल करके करना चाहिए था. और जैसे ही मैंने उसको डाला वो फट गया. तो वो तो थैंकफुली मैंने 4-5 ही पीस डाले थे तो इतने वेस्ट नहीं. तो हमने यहाँ पे बाकी का सूरन बॉयल होने रख दिया, यहाँ पे हमने लोटस स्टेम बॉयल होने रख दिया है. हाँ जी, तो जो हमें साइड की छोटी छोटी चीजें बनानी थी वो हमने बना ली. ये हमने ऑलिव अचार जैसे पिकल्ड ऑलिव निकाल दी, ये मशरूम है, हमने कैबेज और मायोनीज का एक ड्रेसिंग जैसी बनाई है, ये हमने लोटस स्टेम बना दिया है. मैं मेरा सूरन टेस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस है उसको लेके. भाई साहब, आई कैन बिलीव इट, ये तो बहुत स्वाद बना है. हमारे यहाँ ना दही वाले आलू बनते हैं तो ये लिटरली वैसा फील कर रहा है. दही है इसके अंदर, बहुत सारे मसाले हैं, मैंने थोड़े से खड़े कुटे हुए मसाले भी डाले थे तो वो भी बोल रहा हूँ. सूरन का टेक्सचर बहुत अच्छा है, खुजली उजली देखे ये वो ऐसे होता है, सब्र का फल मीठा होता है. खुजली उजली देने वाले लोग दिल के साफ होते हैं. इसका टेक्सचर बड़ा बढ़िया है.
ओके गाइज, हमारा सारा खाना यहाँ पे लग चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, पर मैं बना के इतना थक गई हूँ। जब मैं बनाना शुरू किया था तब मुझे भूख लगी थी, अब मेरी भूख थोड़ी कम हो गई है। बट मेरा बहुत मन है लोटस स्टेम ट्राई करने का, क्योंकि मैंने सूरन तो ट्राई कर लिया है। सो नमक नहीं है, बाकी अच्छा बना है। हल्का सा तीखा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे कोरिया की तीखापन काफ़ी अच्छा लगता है। वहाँ पे लोग ऑलिव्स भी खाते हैं, मुझे ऑलिव्स बिल्कुल नहीं पसंद, बट ओके। ऑलिव्स कोई क्यों ही खाता होगा भाई, ये लोग वहाँ का उसका अचार बोलते हैं, इनको हमारे इधर का अचार खिलाओ कभी। आए हैं फिर हमारे पास है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा था कैबेज जैसा सैलेड, की भूरी बेटी भी आ रही है। ये मैंने क्या बना दिया, मैंने क्यों बना दिया कैबेज का सैलेड, तो मैंने बहुत ही बेकार बनाया। एक काम कर, तू सब टेस्ट कर, फिर मुझे बता क्या खाना चाहिए और अच्छा ही होना चाहिए। नहीं हुआ तो मैं जो पनिशमेंट दूंगी, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा भाई। ये तो चक्के देख, नहीं ये बहुत टेस्टी बना है। मुझे सूरन वैसे भी नहीं पसंद। आई टेस्ट द ग्रेवी दीदी प्लीज। आई वुड, मैं चाहती हूँ तू थोड़ा सा इतना सा टेस्ट करे। गाइस काफी लोग ऐसा मुझे कहते हैं, वाओ तुझे तो कितना अच्छा, तेरी बहन सच्चा फूडी, शी इज, पर जब आपको नहीं खाना होता तो भी खाना पड़ता है। ओके लेट मी टेस्ट, लेट मी बकवास मत करिए, पूरा खाना पड़ेगा। जाने मैं बोल रही हूं, अच्छा यू डोंट ट्रस्ट मी। I don't trust her because ये बहुत वाहियात निकले। अच्छा चल ओके, ये सच्ची अच्छा बना है। इट्स नाइस। क्यों इतने 75 कोने के मुंह बना लिए? इट्स एक्चुअली नाइस। तो ये तूने अकेले खाई है, हमें राइस के साथ नहीं खाना है। हाँ, तो टेस्टी है। इंडियन और कोरियन मिलके खाना बनाए ना तो ऐसा बने। मैंने वही किया है एंड आई वुड गिव इट 8। ये पूरे मेन्यू को तुझसे नंबर किसी ने पूछे? तुझसे पूछे किसी ने नंबर? आई थ्री डी करके ऊपर से आई वुड लाइक टू गिव इट 8। इसका जो स्पाइस है ना, जो कोरियन वाली चिल्ली होती है ना, वो अलग ही टेस्ट बड्स को जाके ऐसे बोलती है, लगा ना तीखा आया ना मजा, देख 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 तीखा लगा ना, और वो मुझे बहुत अच्छा फील कराती है। सो यस, हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। आई होप आपको ये कुकिंग चैलेंज अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मजा आई है करने में। एंड यस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करके जाना। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस। टाटा।